अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचबीएल पीएसएल, हमारे हीरोज पावर्ड बाय इन्वेरिक सोलर एनर्जी। और आज जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, शी इज़ अ सुपर वुमन एज शी वेयर मल्टीपल हैट्स। शी इज़ अ रिसर्चर, ऑथर, सोशल साइंटिस्ट विद 10 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन जेंडर इक्वालिटी, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। मैं बात कर रही हूँ नायाब अली के हवाले से। तो हम वेलकम करते हैं नायाब अली को, जो कि ट्रांस एक्टिविस्ट हैं। नायाब, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप नायाब? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी गुड। नायाब, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा, किस तरह की जर्नी गुजरी और कितने साल हो गए हैं इस फील्ड के साथ मुंसलिक आपको? देखें, जहाँ तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जर्नी की बात होती है ना, तो हमारी स्ट्रगल तभी से स्टार्ट हो जाती है जब से हमारी पैदाइश होती है। तो इट्स वेरी हार्ड कि वो तमाम डिफ़िकल्टीज़, एक वो माँ बाप की गोद और वो फैमिली जहाँ से आपको प्यार शफकत मिलनी होती है, तो वहाँ से ही नफरत स्टार्ट होती है। और वहीं पर हम अपने साथ लड़े होते हैं कि अच्छा, हमारी शनाख्त क्या है, हम मर्द हैं, हम औरतें हैं, कि अल्लाह ने हमें किस तरीके से बनाया ना। तो वहाँ से लेके आई एम 29 ईयर्स नाउ, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरे 29 साल ही स्ट्रगल के हैं। और आज जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसके पीछे वो एक एक लम्हा, एक एक वो अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस जो मैंने बर्दाश्त किया, वो सारा का सारा है और कम्युनिटी की सपोर्ट है। आप एक साथ इतने सारे काम कर रही हैं, किस तरह मैनेज कर लेती हैं सब कामों को? जब आपका काम आपका पैशन होता है ना, तो फिर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स नहीं होते, आपके पास कोई भी वजह नहीं होती कि अच्छा ये मैं नहीं करूँगी या ये मुझे नहीं करना चाहिए, मैं बाद में कर लूँगी, तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं बचती। तो मेरा जो काम है वो मेरा कंपैशन है, तो सो डेट्स वाई इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू मैनेज। तो नायाब, आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से भी काम कर रही हैं, तो उसमें कितना सराहा जाता है आपको और कितनी मदद मिलती है लोगों की आपको? देखिए, ये एक्चुअली आई एम चैलेंजिंग स्टेटस को ना, कि आप मुआशरे के वो तमाम रवैये जो कि सेट हैं, जिसमें आप मुआशरा आपको जगह नहीं देने के लिए तैयार, मुआशरा आपको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार, मुआशरा आपको इज्जत देने के लिए नहीं तैयार, तो उन सारी चीज़ों को चैलेंज करना, इट डजेंट मीन कि आपके लिए ये एक ईजी जॉब है, कि आप ईजी टू गेट है। तो मेरे लिए हर मौके पर लोगों को जब भी कोई बात होती है, तो जो हमारे आधी डिस्कशन होती है वो सिर्फ ये बताने के लिए लग जाती है कि अच्छा, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी वजूद है और हम भी आपसे किसी से कम नहीं है। तो मुआशरे से एस सच जो है वो अप्रिसिएशन पढ़े लिखे तबके से ज़रूर मिलती है, जिस तरह एक एग्जांपल के इन्वेरिक्स जो आज ऑनर कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अप्रिसिएशन फॉर वनरेबल कम्युनिटी। तो इसी तरीके से बहुत कम होता है, लेकिन जब भी एक्नॉलेजमेंट मिलती है बहुत अच्छा लगता है। नायाब, जैसे कि आपने बोला भी कि माशरे से बहुत कम हमें अप्रिसिएशन मिलती है, तो इन्वेरिक्स के इस प्लेटफॉर्म के हवाले से या इनके इस इनिशिएटिव के हवाले से क्या कहेंगे, जैसे कि आप जैसे अनसंग हीरोज़ यहाँ पर आएँ और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लोगों तक आवाज़ पहुँचाएँ? देखें, मैं जहाँ तक इन्वेरिक्स को देखती हूँ, जब मैं व्हेन आई हर्ड के इस तरीके से पाकिस्तान के हीरोज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और जब फर्स्ट टाइम जब ऑनर किया गया हीरोज़ को, तो मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश पैदा हुई, अच्छा कि काश कि मुझे भी इसमें जो है वो एक्नॉलेज किया जाए। और मुझे नहीं पता था कि जब मुझे कॉल रिसीव हुई कि मैम आपको, आपकी सर्विसेज को जो है वो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो डेट वॉज अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी। और इस तरह की जब एक्नॉलेजमेंट जो आपके लिए पावर बूस्टर होता है, तो जब तक कोई भी बंदा या बंदी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रही है फॉर गुड कॉज, जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो उसके काम करने का जज्बा और हिम्मत बढ़ जाती है। तो मैं ये देखती हूँ कि इस तरह के जो पावर बूस्टर्स हैं, तो ये होने चाहिए। और दिस काइंड ऑफ फर्स्ट, ये मैंने पहला इनिशिएटिव देखा है और हमारे इस नेशनल लेवल पे, तो इस तरह के और भी इनिशिएटिव आने की ज़रूरत है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस मूव। नायाब, एक छोटा सा तोहफा है इन्वेरिक सोलर एनर्जी की जानिब से जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं हम, और उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी जनरल मैनेजर है इन्वेरिक सोलर एनर्जी के, साउद बाबर शेख साहब को।